टाइम क्या है? ये बड़ा सीधा सा सवाल है जो कि रिलेटिविटी को समझने के लिए जरूरी है। इसकी वजह से ही मेरे बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसे टाइम से जोड़कर बताते हैं, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आर। लेकिन वेलोसिटी का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन तब तक डिबेटेबल है जब तक कि हम डिफाइन न कर ले टाइम को। क्या टाइम यूनिवर्सल है, या फिर यू कहें कि पूरी गैलेक्सी में एक ही टिक टॉक सुन सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा मास्टर क्लॉक हो, बिल्कुल मोजार्ट के मेट्रोनोम की तरह। और फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। इनफैक्ट हम सारे पढ़े लिखे फिजिसिस्ट के लिए भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का फर्क महज एक धोखा है। हजम नहीं हो रहा है, मुझे पता है। आई नो। लेकिन रिलेटिविटी को समझने के लिए टाइम को समझना जरूरी है। तो अब आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। घबराइए मत, मैं काटूंगा नहीं, पर हां, मुझे एक नए पेन की तलाश जरूर है। तो अब चलिए, आंखें बंद कीजिए। टाइम को ठीक से समझने के लिए हमें एक स्टेप पीछे जाकर पूछना पड़ेगा, व्हाट इज लाइट? तो चलिए मेरे साथ सूरज की तरफ। लाइट स्पेस से होते हुए सूरज से धरती तक आती है। हाँ, तुम्हारी उम्र में मैं जानना चाहता था कि लाइट स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है जहां कुछ भी नहीं है। चलिए एक लाइट बीम को अलग करके उसी के साथ ट्रेवल करते हैं। अब हम थोड़ा तेज चलेंगे। आप मेरे साथ हैं ना? और तेज, और तेज। तो बताइए टाइम आखिर क्या है? आइंस्टाइन, सो रहे हो तुम? मैं सो नहीं रहा था सर, सोच रहा था। ओह अच्छा, तो बताओ क्या सोच रहे थे? यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में सोच रहा था। मेरी राय है कि तुम आंखें खुली रखो और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो। सीधे बैठो। साइंस और को साइंस के लॉज। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अब ये बताओ कि इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? आइंस्टाइन, क्या तुम यूनिवर्स के सीक्रेट्स के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो? नहीं सर, मैंने पहले ही इसे सॉल्व कर लिया है। गेट आउट। पर मेरी गलती क्या है सर? तुम्हारी मौजूदगी से क्लास में मेरा रेस्पेक्ट कम हो जाता है। पर ये तो कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं हुआ। आउट। एक कांस्टेंट के नेचुरल लॉग को x से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा 1+v² के नेचुरल लॉग के। और चूंकि v इक्वल्स y ओवर x, इसलिए हमारा फाइनल फंक्शन हो जाएगा x² + y² - cx³ = 0। और सच तो ये है सर कि आपकी मौजूदगी से प्रशियन मैथमेटिक्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। आउट।